देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस केवल 4 सीटों पर ही अभी तक निर्णय ले पाई है। कल 11 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्षा रही श्रीमती सोनिया गांधी के निवास स्थान पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में केवल अंबाला, सिरसा, रोहतक व भिवानी सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सका। सिरसा से प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, अंबाला से पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा, भिवानी से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी व रोहतक से मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के नामों को ही अंतिम रूप दिया जा सका। दोस्तों, परिवर्तन यात्रा के दौरान गुलाम नबी आजाद द्वारा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के लिए वोटों की अपील की गई थी तथा हिसार से कुलदीप बिश्नोई के लिए वोटों की अपील की गई थी, लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों के अनुसार जहां नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, वहीं हिसार से कुलदीप बिश्नोई स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते यह तो उनका मन ही जानता है, लेकिन जिस ढंग से वे कांग्रेस से दूरी बनाए रहे हैं, उनका मानना है, उनके समर्थकों का मानना है कि वे अपनी हार से डरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसके संबंध में भी कहा जा रहा है कि वे भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वयं नवीन जिंदल के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला से भी बात की कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त दोस्तों, 4 हरियाणा की और महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिनमें करनाल से पार्टी जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहती है, वहीं वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सोनीपत से जहां पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वहीं वे 3 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सोनीपत से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अतिरिक्त 2 शेष सीटों पर, जिनमें फरीदाबाद सीट व गुड़गावा सीट है, वहां पर भी अनेक नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी जिनको लड़ाना चाहती है वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। विशेषकर गुड़गावा सीट पर कैप्टन अजय यादव को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन वे राव इंद्रजीत के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी प्रकार अवतार सिंह बढ़ाना, जो अभी अभी कांग्रेस में पुनः शामिल हुए हैं, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं फरीदाबाद सीट से, लेकिन पार्टी विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। वे अपने रिश्तेदार व फरीदाबाद के विधायक रहे करण दलाल को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो पलवल से अब विधायक हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं की हाँ व ना के बीच कांग्रेस की संभावनाएं भी कम हो रही हैं। देखो, अगले 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, कुछ नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत करके इन उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देंगे, लेकिन देरी कांग्रेस की संभावनाओं को समाप्त कर रही है। क्या कांग्रेस के अंदरूनी गुटों के लड़ाई टिकटों में भी सामने आ रही है, यह तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अभी भी दुविधा में है। हालांकि वह सत्ता की वापसी के सपने ले रही है। आप देखते रहिए पल पल। नमस्कार।